Hello students of class first. How are you all? I hope you all are fine and started your studies as well. Today I am going to teach you English first. Hello English reader. In the previous video, means before vacation, we have completed up to chapter 2, the Fearless Prince. Exercises and everything. Today I will start with new chapter, chapter 3, John in Love. In this chapter, we shall read about a man who exchanged his things to others and reached the house with empty hands. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक हम आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने चीज की या सामान की अदला बदली की दूसरे से और उसके बाद वो घर खाली हाथ पहुंचा। ओके, कमिंग टू द स्टोरी, जॉन वॉज अ चीयरफुल बॉय। ही हैड हैप्पीली सर्व्ड हिज मास्टर फॉर 7 years. नाउ ही लेफ्ट फॉर होम एज अ फेयरवेल गिफ्ट. हिज मास्टर गेव हिम अ लंप ऑफ गोल्ड. ड्यूरिंग हिज जर्नी John met a horseman. Seeing the man ride merrily, John exchanged his gold for the horse and trotted away. John एक हसमुख लड़का था. Cheerful means हसमुख. John एक हसमुख लड़का था. उसने खुशी खुशी अपने मास्टर की सेवा की 7 सालों तक. 7 years. Now he left for home. अब वो अपने घर के लिए निकला. तो फेयरवेल गिफ्ट मतलब उसकी विदाई के विदाई में उसके मास्टर ने उसको एक लंप ऑफ गोल्ड दिया यानी सोने की गच्छी. ड्यूरिंग हिज जर्नी जॉन मेट अ हॉर्समैन. जब वो जर्नी पर था मीन्स अपने घर जा रहा था तो उसको एक हॉर्समैन मिला. जब उसने हॉर्समैन को खुशी खुशी राइड करते हुए देखा हॉर्स पर तो उसने अपने गोल्ड को हॉर्स से एक्सचेंज कर लिया यानी अदला बदली कर ली और फिर वो चला गया. हाउएवर व्हेन जॉन पुश्ड द हॉर्स टू रन फास्टर ही वाज थ्रोन ऑफ. लेकिन जब जॉन घोड़े को पुश कर रहा था कि वो और तेज भागे तो घोड़े ने उसको फेंक दिया. देन जॉन सॉ अ कंट्री मैन विथ अ काउ. तब अब जॉन ने एक कंट्री मैन को यानी देशवासी को काउ के साथ देखा गाय के साथ. जॉन ट्रेडेड हिज हॉर्स फॉर द काउ. अब जॉन ने अपना हॉर्स उस कंट्री मैन को दे दिया और उससे उसकी काउ ले ली. आफ्टर सम टाइम जॉन स्टॉप्ड एट अ मूवर्स टू मिल्क द काउ. अब जॉन कुछ टाइम के बाद जॉन एक मोअर के पास रुका जो एक वेस्ट ग्राउंड होता है ग्राउंड जहाँ पर होता है टू मिल्क द काउ काउ के लिए. अब बुशर पासिंग बाय टोल्ड जॉन दैट हिज काउ वाज टू ओल्ड टू बी मिल्क. लेकिन वहाँ से एक बुशर पास कर रहा था बुशर यानी कसाई वहाँ से जा रहा था तो उसने जॉन को बताया कि उसकी काउ इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब वो दूध नहीं दे सकती. जॉन टुक द बूचर्स गोट इन एक्सचेंज फॉर हिज काउ. अब जॉन ने बूचर की यानी कसाई की बकरी ले ली और अपनी काउ उसे दे दी. नेक्स्ट जॉन मेट अ मेसन एंड एक्सचेंज हिज गोट विद द मेसन ग्राइंड स्टोन. अब नेक्स्ट क्या हुआ, जॉन एक मेसन यानी मिस्त्री से मिला और उसने अब अपनी गोट की गोट उसने मेसन यानी मिस्त्री को दे दी और उससे उसका ग्राइंड स्टोन ले लिया यानी सी लोड़ा. ओके, द हैवी स्टोन सून टायर्ड जॉन. लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि उसकी वजह से जॉन अब थक चुका था. He went to a well to drink water and dropped the stones inside by mistake. अब वो कुएं के पास पानी पीने गया और गलती से उसने वो पत्थर उस कुएं में गिरा दिया. John ran home empty-handed but still happy. John अपने घर की ओर दौड़ा खाली हाथ.
हॉर्स के साथ चेंज किया, फिर आगे बढ़ा तो उसको एक कंट्री मैन मिला, फिर कंट्री मैन की काउ थी तो उसने काउ ले लिया और कंट्री मैन को हॉर्स दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, काउ, अब उसने काउ को बुचर की गोट से एक्सचेंज किया और बुचर को उसने अपनी काउ दे दी। आफ्टर दैट जब आगे फिर वो आया तो उसको एक मेसन मिला, मेसन से उसने मेसन का ग्राइंडस्टोन ले लिया और उसको अपनी गोट दे दी। इन दिस वे जॉन की जर्नी कंप्लीट हुई, वो अपने घर पहुंचा बट खाली हाथ, लेकिन फिर भी बहुत खुश। दिस इज द स्टोरी जॉन एंड लक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। डू द रीडिंग एट योर होम एज वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट द एक्सरसाइजेस we will do in our next video. Till then, take care, be safe.